कर्नाटक में एक बार फिर सिद्धारमैया ने बाजी मार ली। 10 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी है, लेकिन बहुमत के बाद भी सियासी नाटक जारी था। मुख्यमंत्री पद के लिए दो दावेदार हो गए थे, एक ओर सिद्धारमैया तो दूसरी ओर डीके शिवकुमार। लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में माहिर सिद्धारमैया ने बाजी अपने नाम कर ही ली और दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। तभी तो वे कर्नाटक के रजनीकांत कहे जाते हैं। लेकिन वे कर्नाटक के रजनीकांत क्यों कहे जाते हैं, इसे आज के 5 PM के 5 का तड़का में आपको 5 बातों में बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। सिद्धारमैया आज सियासत की दुनिया में बड़े कद वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये कद, ये ताज इन्हें आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए इन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े हैं। बचपन में इन्हें मवेशी भी चराना पड़ा था ताकि घर वाले भूखे ना रहे। सिद्धारमैया बचपन में गरीबी से जूझते रहे तो सियासत में पहली बार विधायक बनने के टिकट लेने के लिए भी इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। निर्दलीय चुनाव लड़े, विधायक बने और बाद में JDS में संघर्ष करते गुजरा। JDS से बाहर निकाल दिया गया तो कांग्रेस में अपनी जगह बनाने के लिए भी खूब संघर्ष किया, तब जाकर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिली और दूसरी बार भी इस कुर्सी के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी। अब बात करते हैं 4वें नंबर की। कर्नाटक में दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले सिद्धारमैया सादगी की भी प्रतिमूर्ति हैं। इनकी देहाती छवि गांव के लोगों को खुद से कनेक्ट करती है। गांव के लोगों को लगता है कि ये हम लोगों के बीच के हैं। इसी वजह से ग्रामीण कर्नाटक में इनकी लोकप्रियता जबरदस्त है, बिल्कुल रजनीकांत वाला क्रेज है। खास बात ये कि मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, लेकिन ये पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ता और आम जनता सबों के लिए आसानी से सुलभ रहते हैं। ये कंपनी के बड़े अधिकारियों के बजाय किसानों से मिलना ज्यादा पसंद करते हैं। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। इनकी सोशल इंजीनियरिंग का भी कोई जोड़ नहीं है। दरअसल बिहार में जैसे नीतीश कुमार को सियासत का बेस्ट सोशल इंजीनियर माना जाता है, उसी प्रकार सिद्धारमैया भी कर्नाटक के जबरदस्त सोशल इंजीनियर हैं। और इस बार भी वहां के विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला। उन्होंने कर्नाटक की राजनीति में ऐसा समीकरण सेट किया कि विरोधी चारों खाने चित हो गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी कर्नाटक में इनके आगे फेल हो गई। सिद्धारमैया की सोशल इंजीनियरिंग की विरोधी भी प्रशंसा करते हैं। अब बात करते हैं 2रे नंबर की। सिद्धारमैया ने सियासत की दुनिया में संघर्ष के साथ अपने सपने को भी जिंदा रखा। यही वजह रही कि इनका सपना भी पूरा होता रहा और अब दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने का सपना भी पूरा हुआ। हालांकि सिद्धारमैया ने ये भी बता दिया है कि उनकी ये अंतिम पारी है और अब वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में विधायक की पारी शुरू की थी और इस बार उन्होंने 9वीं बार बाजी मार ली है। इस बीच 3 विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये मेहनत से पीछे नहीं हटे और इस चुनाव में वो 9वीं बार विधायक बन गए। कांग्रेस का सफर इनके लिए काफी फायदेमंद रहा। इसी तरीके से सिद्धारमैया का सपना साकार हुआ। अब बात करते हैं 1 नंबर की। सिद्धारमैया को सियासत का धुरंधर माना जाता है और रणनीति बनाने में भी ये माहिर है। यही वजह रही कि ये विरोधियों के बीच भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितना समर्थकों के बीच। सबसे बड़ी बात कि 4 दशक के सियासी सफर में इनके दामन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। इनकी सियासत दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों पर केंद्रित है। ये भी लालू यादव और नीतीश कुमार की तरह सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और यही वजह रही कि 10 साल के बाद इन्होंने कर्नाटक में सत्ता की चाबी कांग्रेस की झोली में डाल दी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को भी अपनी रणनीति से फेल कर दिया। तो आपने 5 बातों में जाना कि सिद्धारमैया को कर्नाटक का रजनीकांत आखिरकार क्यों कहा जाता है। बाकी के वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।